नमस्कार, वीकली बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो काफी वॉलेटिलिटी रही है, डेटा काफी खराब है, उसके बावजूद पूरे बेस मेटल को कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले अगर हम कॉपर की अगर बात करते हैं तो कॉपर मिले जुला ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, जो 705 से 710 के बीच में ही रहा है। वहीं जिंक के अंदर हमने देखा है कि पौने तीन परसेंट की तेजी बनी, जिस ढंग से नैस्डैक के दो माइंस है जहाँ पे प्रोडक्शन सस्पेंड हुआ है, जिसका एक सपोर्ट मिला है। कॉपर भी थोड़ा बहुत रिंग बाउंड ही रहा है, लेकिन लेड और एल्यूमिनियम सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। सबसे पहले अगर हम डेटा पॉइंट्स की अगर बात करें तो हमने देखा है चाइना से डेटा पॉइंट काफी खराब आए हैं, उसके बावजूद भी प्राइजेस में कोई बड़ा फॉल नहीं है, क्योंकि मार्केट उस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा था। कॉपर के अंदर हमने देखा कि डॉलर में जो तेजी आई है और हेजी डिमांड के चलते प्राइजेस में कंटिन्यू अपर साइड कैप रहा है। चाइना के जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, पीएमआई इंडेक्स, वो 50 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दिया, इसके चलते भी हमने मार्केट में दबाव देखा है। टाइमिंग एक कंसोलिडेशन जोन दिखाई दे रहा है, जो 700 से 720 का रेंज रहेगा कॉपर के लिए, क्योंकि रिसेंट एक डेटा बता रहा है जहाँ पे हमने देखा कि आउटपुट में कहीं ना कहीं जंप आया है चाइना के अंदर, वहीं कंजम्पशन ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। कॉपर की इन्वेंट्री भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमने 11.5% के आसपास का एक जंप आते हुए देखा है। वहीं जिंक के अंदर सप्लाई साइड कंसर्न्स आने की वजह से प्राइसेस में जंप मिला है, क्योंकि रशिया के कुछ माइंस प्रोजेक्ट है जहाँ पे फायर, और साथ में नेट स्टार के दो माइंस है जो टेम्परेरी शटडाउन हुए हैं, जिसकी वजह से भी प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। पहले भी हमने कहा था कि 220 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस 220 के ऊपर मेंटेन रहता तो 230 तक का लेवल देख सकते हैं, तो टाइमिंग 230 तक का लेवल जिंक में दिखाई दे रहा है। वहीं एल्यूमिनियम में एक चीज ध्यान रखिए कि वेदर को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर कंसर्न्स रहेंगे, जिसके चलते प्रोडक्शन कर्टलमेंट हो सकती है चाइना में और यूरोप में, जिसका सपोर्ट एल्यूमिनियम को जरूर मिलेगा। रिसेंटली हमने देखा कि चाइना के यूनान शेयर में ट्राई स्पेल चल रहे हैं, जिसके चलते कंसर्न्स है आउटपुट्स को लेकर। वहीं ग्लोबल प्राइमरी एल्यूमिनियम के जो आउटपुट है वहाँ पे हमने सितंबर में तेजी देखी थी 2.7 से, जिसके चलते सितंबर और अक्टूबर में भाव में गिरावट था, बट अब कर्टलमेंट के चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए, तो 202 के ऊपर एल्यूमिनियम होल्ड होने पे 210 से 216 तक के भी लेवल देख सकते हैं। लेड सीमित दायरे में ट्रेड करेंगे। तो कुल मिला के अगर अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो कॉपर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, जहाँ पे 703.4 के करीब लेके चलिए, 700 के ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव है, 712 का लेवल तोड़ने पे 718 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। जिंक में 225-26 के रेंज में बाय करिए, 230 का इमीडिएट टारगेट है, 230 पे होल्ड होने पे 235 तक के भी लेवल देख सकते हैं। अंत में अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 210 का लेवल तोड़ने पे 212-215 तक का लेवल दिखा देगा, प्रोडक्शन के कर्टलमेंट की वजह से ये सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।